हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, हम सभी ने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 3 छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे और साथ ही 7.2 को भी करेंगे। साथ ही किसको करेंगे? हम 7.2 को भी करेंगे, ठीक है बच्चों। और इस साल 7.3 आ नहीं रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को 7.3 करवाऊंगा, ताकि अगर इन केस कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाता है तो आपको वो आराम से टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 7.1 के थर्ड क्वेश्चन के बारे में पता करते हैं। आपसे कहा गया है कि भाई 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, और कह रहा है कि बताओ क्या ये कोलिनियर है, क्या ये संरेखी है। प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले आप इसको सीखिए बच्चों। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं, संरेखी बिंदु क्या होते हैं बच्चों? संरेखी बिंदु होते हैं जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हो, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर क्या करते हो, लाई करते हो, उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। व्हेन 3 पॉइंट्स आर इन अ रो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसे संरेखी बिंदु कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना तो पता चल गया कि जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा हम चेक करते हैं कि ये सही में कोलिनियर है भी या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों है हमारा 3, और हम लिखने जा रहे हैं, हम मान के चलेंगे कि ये कोलिनियर है, मान के चलेंगे, ठीक है। ए पॉइंट माना हमने 1, 5, बी पॉइंट माना हमने 2, 3, और सी पॉइंट माना हमने -2, -11, ठीक है। अब यहां मानेंगे लेट द ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कौन कौन? ए 1, 5, कॉमा बी 2, 3 एंड सी -2, -11, ठीक है। माना सभी बिंदु संरेखी है, सभी बिंदु संरेखी है। ए 1, 5, बी 2, 3 और सी -2, -11, सी -2, -11, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आगे क्या आगे नाउ? अब कोलिनियर पॉइंट निकाले कैसे, पता कैसे चलेगा? तो बच्चों देखो, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी पे ये प्लस उतनी दूरी पर ये, मतलब ये मैं कभी नहीं कह सकता कि ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, ये मैं कभी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यहां पे इक्वी डिस्टेंस वाली बात कहीं पर भी लागू नहीं हो रही है। इक्वी डिस्टेंस वाला शब्द हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं कोलिनियर। तो भाई ये पॉइंट जरूरी नहीं है यहां हो, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब ए से बराबर दूरी पर नहीं है, ये अलग अलग डिस्टेंस पर है। बस मुझे इतना पता है कि ए बी प्लस में बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो सी ए के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कोलिनियर है, और ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो चलो करेंगे बच्चों, जरा सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी की दूरी। और आपको बच्चों मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि जब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, x2 y2 कौन होता है? जो पीछे वाला होता है, और x1 y1 कौन होता है? जो आगे वाला होता है। तो बस बात खत्म। अगर ए बी का निकाल रहे हो तो x2 y2 किसका होगा? बी का। तो यानी x2 2, x1 1, y2 3 और ये 5। तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5, इतने यूनिट्स। ए बी आ गया बच्चों √5 यूनिट्स। नेक्स्ट नाउ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, बीसी की दूरी, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर।
हाँ जी बच्चों, क्या सीखा है हमने इसमें? क्या सीखा है हमने कि भाई जो बाद में होगा, सी बाद में है तो एक्स टू वाई टू होगा, बी पहले है तो एक्स वन वाई वन होगा। ठीक है जी, लगाओ फॉर्मूला बी सी में। हाँ जी, तो सी क्या होगा? एक्स टू यानी कि माइनस का टू, और बी क्या होगा? एक्स वन यानी कि टू स्क्वायर, फिर ये होगा माइनस का 11, फिर ये होगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर बी सी। माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, और ये माइनस 11 माइनस 3 माइनस का 14, 4 का स्क्वायर 16, इसका 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 14 का स्क्वायर 196 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 200 कितना आ जाएगा? 12। बी सी का कितना आ जाएगा? 212। अब बच्चों इसका फैक्टर भी कर दोगे ना, अगर आप इसका क्या कर दोगे, फैक्टर भी कर दोगे तो हद से हद ये क्या आ जाएगा, चलो फैक्टर करके देखते हैं। 212, 2 से करेंगे 106, फिर 2 से करेंगे 53, और ये 53 1, तो यानी जो पेयर बनेगा वो बाहर, तो बी सी बराबर 2√53 यूनिट्स। ठीक है, नाउ अब क्या कह रहा है? हाँ जी, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी ए भी निकाल के दिखाओ। नाउ डिस्टेंस ऑफ सी ए, डिस्टेंस ऑफ सी ए, हाँ जी डिस्टेंस ऑफ सी ए, तो कैसे निकलेगा? सी ए की दूरी, सी ए की दूरी। ठीक है, तो सी ए बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, एक्स टू। हाँ जी, सी अब एक्स टू पे आ गया है और ये एक्स वन पे आ गया है, सॉरी ए अब एक्स टू पे आ गया, सॉरी सॉरी सी ए, तो जो बाद में होता है वो एक्स टू वाई वाई टू, और जो पहले होता है एक्स वन वाई वन, तो ए किस पे आ गया? एक्स टू पे यानी वन। एक्स वन किस कौन है? माइनस का टू, तो ये रहा माइनस का टू। ठीक है, अच्छा अगला वाई टू, वाई टू किसका होगा? ए का यानी फाइव, और वाई वन कौन है? माइनस का इलेवन। माइनस माइनस प्लस का टू, माइनस माइनस प्लस का इलेवन, वन और टू थ्री का स्क्वायर, इलेवन और फाइव फोर्टीन का स्क्वायर, सॉरी सिक्सटीन, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्सटीन का 256, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 265। और बच्चों इसका फैक्टर बनाओगे ना, फैक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, मुझे याद है। ठीक है, कि 265 का अगर आप करोगे, चलो मान लीजिए आप 5 से करते भी हैं, तो क्या बनेगा? 5 5 जा, और ये 5 3 जा, और उसके बाद 53, तो दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है, तो फैक्टर बन ही नहीं रहा, तो यानी सी यही आ गया। अब मुझे इतना बताइए, कोलिनियर के लिए क्या बताया गया था? नाउ फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखी बिंदु के लिए, संरेखी बिंदु के लिए। हाँ जी बच्चों, तो हमने क्या कहा था कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए सी ए के डिस्टेंस के, यही चेक करना था हमें। तो ए बी कितना है? रूट फाइव। बी सी कितना है? 2√53। और सी ए कितना है? अंडर रूट 265। क्या कहीं से भी ये इनका सम बराबर आ रहा है? जी नहीं आ रहा। इसका मतलब ए बी प्लस में बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। इसका मतलब बच्चों दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो ये तीनों पॉइंट आपस में संरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। चलिए बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं, वो प्रॉपर्टीज देखेंगे सभी बच्चे। 6 तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले प्रॉपर्टी, क्योंकि 6th क्वेश्चन को करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टीज आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बस किसी को याद होगा और किसी को याद नहीं होगा, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है ताकि आपको याद रहे। हाँ चलिए भाई शुरू करते हैं, क्या शुरू करना है हमें? प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज गुणधर्म।
हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की, वर्ग। भाई स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और साथ ही स्क्वायर की चारों साइड्स भी बराबर होती हैं और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, दोनों डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टेंगल, आयत। क्या है? आयत। हाँ जी बच्चों, क्या होते हैं रेक्टेंगल? कुछ इस तरीके से होते हैं। और अगर बच्चों मैं आयत की बात करूं, अच्छा इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वो अभी काम, उसकी जरूरत अभी नहीं है, नेक्स्ट 7.2 में जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा, ठीक है, फिलहाल रेक्टेंगल। हाँ जी, अब रेक्टेंगल के बारे में बात की जाए तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है बच्चों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, और सेकंड क्या है? बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, और इसमें भी क्या है? बोथ द डायगनल्स आर इक्वल, बोथ द डायगनल्स आर इक्वल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब अगली बात करते हैं भाई, अगला देखेंगे कौन? पैरेललोग्राम। अगला कौन है? पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है जी, ये कुछ इस टाइप से बना होता है। इसका भी बच्चों सेम सीन, क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या भाई? बोथ द डायगनल्स आर नॉट इक्वल, बोथ द डायगनल्स आर नॉट इक्वल, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। अगला नेक्स्ट है रोम्बस, ये लास्ट है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है बच्चों, इसका शेप कुछ काइट की तरह होता है। अब इसकी खास बात क्या है, रोम्बस की खास बात क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, क्या? स्क्वायर का डायगोनल बराबर होता है लेकिन इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है। बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। समझ में आई बात कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं बच्चों, फटाफट उतार लो, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की, ठीक है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। जल्दी से नोट कर लो, इसे वीडियो पॉज करो और जल्दी से नोट करो। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लिए इसे।
ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कराऊंगा, सेकंड आप खुद ही कर लेंगे। कैसे? अगर आपको ये चार प्रॉपर्टी पता है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए, फर्स्ट तो आप कर लेंगे, मैं सेकंड कराता हूँ आपको। फर्स्ट, हाँ ठीक है, सेकंड कराता हूँ। फर्स्ट भी कर लोगे, थर्ड भी कर लोगे। थर्ड तो आसान ही है, सारी डिजिट छोटी प्लस में ही है, तो सेकंड कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको चार पॉइंट दिए हुए हैं। द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर दिए गए बिंदु हैं, कौन कौन से हैं? ए ए -3, 5, बी 3, 1, सी 0, 3 और डी -1, -4। ये चार पॉइंट दिए हुए हैं, हिंदी वाले भी सेम चीज लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, अब आपका जैसा मन करे वैसा ये बना दो, क्वाड्रिलेटरल बना दो, चतुर्भुज बना दो, जैसा मन करे वैसा बना दो। वो तो बाद में फैसला होगा ना कि ये है क्या, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जैसा मर्जी बना दो, बाद में फैसला करके देखेंगे कि ये है क्या। मान लो ए पॉइंट है आपका -3 और 5, बी आपका 3, 1, सी है आपका 0, 3 और डी है आपका क्या भाई? -1, -4, ठीक है। और इसके डायगोनल्स को भी आपस में मीट करा दो, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि ये जो चतुर्भुज है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सा है? रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है? हिंदी में वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज है या आयत है? चारों में चेक करना क्या है। चलो तो एक एक करके सबका पहले डिस्टेंस निकालो। सबका क्या निकालो? डिस्टेंस। ये हर क्वेश्चन में करना है, छठे क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में यही काम करना है। पहला, हाँ जी, सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालोगे? ए बी का। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ए बी की दूरी, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। हाँ जी, तो ए बी बराबर अंडर रूट, हाँ जी, बी होगा x2 y2, ए होगा x1 y1। तो चलिए, 3 - -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, 3 - - प्लस, और 1 में से 5 गया -4, 3 और 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, हाँ जी, 36 और 16 कितने होंगे? 52। कितना होगा? 52, ठीक है। और बच्चों, ये हो गया आपका √52 यूनिट्स, ठीक। अब कौन है? अब हम निकालेंगे, ए बी निकल गया, आप बी सी। नाउ डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी भी ऐसे ही निकलेगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। करो तो बी सी, बी सी कैसे निकलेगा? अंडर रूट, हाँ जी, सी आपका x2 y2, बी आपका x1 y1। तो हाँ जी, ये कितना है? x2 y2 मतलब 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। हाँ भाई, तो 3 में से 1 गया, वो 0 में 3 गया -3, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया √13। ये कितना आ गया? √13 यूनिट। कौन आ गया? बी सी। नाउ बी सी के बाद क्या निकालना है? सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी। हाँ भाई, सी डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब सी डी निकालेंगे तो डी क्या है? x2 y2, सी क्या है? x1 y1। तो डी है आपका -1 और ये कितना है? 0, और ये कितना है? y2 कितना है? -4, और ये कितना है? -3। तो हाँ जी, -1 का स्क्वायर, और ये -4 - -3, -7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, तो ये आ गया √50। ये कितना आ गया? √50। ठीक है, ठीक। नाउ अब क्या बच्चों, अब क्या है? डी ए, अब क्या है? डी ए, तो लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, डी ए।
तो ए क्या होगा, एक्स टू वाई टू यानी कि -3, और ये होगा ये माइनस का 1, फिर ये क्या होगा 5, फिर ये होगा माइनस का 4। तो क्या आ गया ये -3 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 4, ठीक है। अंडर रूट -3 में से एक गया -2 का स्क्वायर, 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 कितना होता है जल्दी बता दो, ये होता है 85। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ना ए बी बराबर है बी सी के, ना बी सी बराबर है सी डी के, ना सी डी बराबर ये ना सी डी बराबर है किसके, डी ए के। तो चारों में से कोई एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, और जब ये बराबर है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, ये सिर्फ एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर है, यह एक सामान्य चतुर्भुज है ना बच्चों, है कि नहीं सामान्य चतुर्भुज, क्यों, क्योंकि ना स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना रोम्बस की, ना रेक्टेंगल की, और ना ही पैरेललोग्राम की, इस वजह से ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो नोट कीजिए, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिएगा, ठीक है, और थर्ड कीजिएगा, अगर कोई डाउट आए तो बताना। चलो एक काम करते हैं, थर्ड में करा ही देता हूं, फर्स्ट आप करना, ये नोट करो, नोट करो, थर्ड करा देता हूं, फिर इसके बाद 7.2 शुरू करते हैं। चलो नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके बस नोट करते जाओ, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर ए, ए क्या दिया हुआ है आपको, 4 5, ये बी क्या दिया हुआ है 7 6, और सी क्या दिया हुआ 4 3, और ये दिया हुआ 1 2, डी क्या दिया हुआ है 1 2। तो बस अब चेक करते हैं कौन है भाई ये, तो ए कितना दिया हुआ है 4 5, बी कितना दिया हुआ है 7 6, और सी कितना दिया हुआ है 4 3, और ये दिया हुआ आपको 1 2, ठीक है जी। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या, अब आपको पता तो चल चुका है कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, डी ए का डिस्टेंस, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूं आपको। एक्स टू कौन है, एक्स टू 7, एक्स वन कौन है 4, वाई टू कौन है 6, वाई वन कौन है 5, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 10, तो ए बी आ गया अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब क्या निकालेंगे, बी सी, एक्स टू, एक्स टू कितना है, हाँ जी बी सी में 4 माइनस 7 का स्क्वायर, वाई टू कितना है 3 माइनस 6 का स्क्वायर, हाँ भाई 4 में से 7 गए -3 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर, तो कितना भाई ये, ये है बी सी बराबर अंडर रूट, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9, 9 और इसका भी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 यूनिट्स बी सी। अब किसकी बारी है, नाउ अब है बारी सी डी की। चलो भाई एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, हाँ जी तो सी डी ये होगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 गया -3, और 2 में से 3 जाएगा -1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का 1, तो अंडर रूट 10 यूनिट्स, तो सी डी कितना आ गया अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब क्या है, नाउ अब सी डी के बाद क्या आएगा, डी ए, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, एक्स टू, एक्स टू कितना है 4, ये कितना है 1,
वाई टू कितना है? 5। वाई वन कितना है? 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और ये कितना आ गया भाई? 18, रूट 18। तो डीए क्या आ गया? रूट 18। अब अगर गौर से देखा जाए नाउ, तो हमने क्या देखा बच्चों कि कोई कोई दो दो साइड आपस में बराबर आ रही है। कौन भाई? ए बी बराबर आ रहा है सी डी के, यानी अपोजिट साइड, ए बी बराबर आ रहा है सी डी के, और बी सी बराबर आ रहा है डी ए के। बी सी बराबर आ रहा है डी ए के, मतलब अपोजिट साइड बराबर। अच्छा, अब अपोजिट साइड आर इक्वल्स, ये किस किस केस में होता है? दो केस में, एक पैरेललोग्राम में और एक रेक्टेंगल में। तो अब मैं इसे ना ही रेक्टेंगल बोल सकता हूं ना ही पैरेललोग्राम। कब तक नहीं बोल सकता? जब तक मैं इनके डायगोनल का डिस्टेंस ना निकाल लूं। अगर इनके डायगोनल का डिस्टेंस बराबर आता है तो रेक्टेंगल होगा, और अगर डायगोनल डिस्टेंस बराबर नहीं आता है तो पैरेललोग्राम होगा। सुनाओ सुनाओ, अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे? पहले ए सी का निकालेंगे। ए सी, हाँ जी, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। हाँ जी जल्दी बताओ, एक्स टू सी यानी कि 4, एक्स वन मतलब कि ए मतलब 4, वाई टू 3 माइनस 5। तो 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 3 में से 5 गया माइनस का 2 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये अंडर रूट 4, बाहर निकलेगा 2। तो भाई ए सी आ गया 2 यूनिट्स, ए सी आ गया 2 यूनिट्स। अब देखते हैं बी डी कितना आता है। नाउ बी डी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। हाँ जी बी डी, तो एक्स टू कितना है? 1, एक्स वन कितना? 7, वाई टू कितना? 2 माइनस 6। भाई 1 में 7 गया माइनस 6 का स्क्वायर, 2 में 6 गया माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, इसका 16, ये तो अंडर रूट 52 आ गया भाई बी डी, इतने यूनिट्स। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो डायगोनल एसी है वो बराबर नहीं है बीडी के। तो जब बराबर नहीं है बीडी के, तो हम कहेंगे दीज पॉइंट्स आर ऑफ पैरेललोग्राम। किसका है भाई? पैरेललोग्राम मतलब क्या? यह बिंदु समांतर चतुर्भुज के हैं। यह बिंदु किसके हैं? समांतर चतुर्भुज के हैं, क्योंकि बच्चों पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो जल्दी जल्दी 2 मिनट में नोट कीजिए, फिर मैं आपको 7.2 सेक्शन फॉर्मूला कराने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा, आज हम 7.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, विभाजन सूत्र जैसा नाम वैसा काम। क्या ये एक लाइन है? ठीक है, इस लाइन पे 2 पॉइंट है, ए एक्स वन वाई वन, और दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू वाई टू। और इसे मान लीजिए कोई ट्रांसवर्स लाइन कहीं पे काट रही है। ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्स लाइन। तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा, और जहां से इस लाइन ने काटा है, मान लीजिए वो पी पॉइंट पे काटा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि पी पॉइंट क्या है। अब जितने हिस्से में इसने काटा, तो जिस हिस्से पे काटा, इस हिस्से को इसने बोला एम
और इस हिस्से को n, तो यानी दोनों के बीच का अनुपात, दोनों के बीच का रेशो कितना आ गया, m रेशो n, कितना आ गया, m रेशो n। तो कह रहा है बताइए कि ये p पॉइंट क्या होगा। मतलब बच्चों अगर आपको दो पॉइंट और उनके बीच का रेशो कि किस हिस्से में डिवाइड हुए हैं वो, कि उनके बीच का रेशो दिया हो, तो p पॉइंट कैसे फाइंड किया जाए, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन कॉमा एन वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है कि जब किसी लाइन को कोई दूसरी लाइन कट कर दे किसी रेशो में, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यही सेम केस मान लीजिए आपकी बार फिर से आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं ए एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, और इसको कोई लाइन काट रही है पी पॉइंट पे एम रे अब की बार, हाँ पी पॉइंट पे, और इस बार पी पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, पी पॉइंट दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है बताओ इसका रेशो क्या होगा, इसका रेशो क्या होगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं रेशो, क्या लेट करते हैं, के रेशो वन, क्या लेट करके चलते हैं, के रेशो वन, और पी पॉइंट से कंपेयर करके, पी पॉइंट से कंपेयर करके आंसर निकालते हैं के एक्स टू प्लस में एक्स वन, के वाई टू प्लस में वाई वन अपॉन के प्लस वन। तो ये बच्चों रेशो निकालने का फॉर्मूला है, क्या निकालने का फॉर्मूला है, रेशो निकालने का फॉर्मूला है, और ऊपर वाला क्या है भाई, ऊपर वाला पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बच्चों कि अगर मान लीजिए थर्ड, फिर से आपके पास एक लाइन है और पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू, और इसको बीचों बीच कोई पॉइंट, कोई लाइन काट रही है, इसको बीचों बीच बिल्कुल मिड पॉइंट से काट रही है, कहां से काट रही है, मिड पॉइंट से। तो याद रखना बच्चों मिड पॉइंट का रेशो ऑलवेज होता है वन रेशो वन, जब भी कोई लाइन मिड पॉइंट पे काट रही हो तो वो ऑलवेज क्या होता है, वन रेशो वन। और ऐसी सिचुएशन में जो पी पॉइंट निकलता है उसे मिड पॉइंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट बोला जाता है, मध्य बिंदु बोला जाता है पी पॉइंट। ठीक है, और इसका बच्चों फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। ठीक है बच्चों ये नोट कीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसे। हाँ जी बच्चों तो देखेंगे जरा, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, और कब यूज करेंगे, जब रेशो क्या चलेगा, वन रेशो वन, या खुद बोला हो मिड पॉइंट। अब एक आता है फोर्थ, ट्रायंगल, एक क्या आता है ट्रायंगल ए बी सी, मान लो तीन पॉइंट दिए हुए, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, और आपसे बोला गया कि भाई मुझे ना ट्रायंगल का मिड पॉइंट चाहिए, मुझे किसका मिड पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल का मिड पॉइंट, जिसे हम डी से, जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट, जी से, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। और मिड पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। तो भाई ट्रायंगल का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में थ्री, ये होता है हमारे ट्रायंगल का मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो।
जल्दी से नोट कर लो, नोट करो इसे जल्दी से। चलिए वीडियो पॉज करके आपने नोट किया होगा इसे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फॉर्मूले करवाए हैं इसलिए इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहले मैं फर्स्ट करा रहा हूं, ठीक है, और आज यहीं पे इस क्लास को ओवर करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन करा के, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करके आए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब आगे हम करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे जरा ध्यान से। आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, माइनस वन और सेवन, और बी पॉइंट है फोर माइनस थ्री, जिसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, यानी इसको कोई लाइन डिवाइड कर रही है कितने में, टू रेशो थ्री में डिवाइड कर रही है, और मान लो पी पॉइंट पे काटा, ठीक है, कह रहा है टू रेशो थ्री में डिवाइड कर रहा, तो बताओ ये पी पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमने अभी अभी सीखा है, तो मतलब हम कैसे लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स आर ए माइनस वन सेवन एंड बी फोर माइनस थ्री, विच इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी इन द रेशो ऑफ टू रेशो थ्री। सही बात है बच्चों, ठीक, टू रेशो थ्री। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु ए माइनस एक सात और बी चार माइनस तीन है, ठीक है, चार माइनस तीन है, जो रेखाखंड पी बिंदु द्वारा दो अनुपात तीन के अनुपात में विभाजित है, ठीक है। तो हमें वही पता करना है कि आखिरकार ये पी पॉइंट है क्या, तो बस बच्चों खत्म। पी पॉइंट निकालना है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस वाई वन एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, ये फॉर्मूले के बीच में कॉमा है, ठीक है, कहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं बीच में प्लस लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं, तो भूलना मत ये बीच में कॉमा है, ठीक है। चलिए तो एम एम कौन होता है, आगे रेशो वाला टू, एक्स टू कौन होता है वही बाद वाला तो चार, एन कौन है पीछे वाला तीन, एक्स वन कौन है आगे वाला माइनस वन, एम प्लस एन दो प्लस तीन, एम कौन है दो, एम कौन है दो, और वाई टू कौन है माइनस थ्री, प्लस एन कौन है तीन, और वाई वन कौन है सेवन प्लस तीन। हां जी, तो चार दुनी आठ प्लस माइनस माइनस थ्री और ये फाइव, ये माइनस सिक्स, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अपॉन में फाइव। अब क्या आएगा, एट में थ्री गया फाइव अपॉन फाइव, एक में छह गया पंद्रह बटे में पांच, पांच से पांच कट गया एक, पांच से पंद्रह कटा तीन, तो यानी कि P पॉइंट आपका क्या आ गया वन और थ्री, बस इतना सा करना है बच्चों, खत्म कहानी। मतलब एक बार आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर सब आपके सामने हाजिर,
यानी आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करना है, पी पॉइंट हो, रेशो हो, सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसे नोट कीजिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।